हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं अपने चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव रहेंगे, सफलता आपस मिलेगी, आप सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाते जाइए। सुबह मॉर्निंग में उठिए, मेडिटेशन कीजिए, खुद को बैलेंस रखिए, पेशेंस रखिए। सेपरेशन, डिप्रेशन, लॉन्ग डिस्टेंस आपके पार्टनर से है तो अपने आप को स्ट्रांग बनाइए, ठीक है। अपना बिलीफ सिस्टम जो है उसको स्ट्रांग कीजिए, सेल्फ लव कीजिए, सेल्फ हीलिंग कीजिए और लाइफ में हमेशा ऊंचाइयों को छूने की कोशिश कीजिए। मेरे अभी का जो वीडियो है ये है आपके पार्टनर की करेंट एनर्जी और ये ऑल साइन के लिए, मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सबके लिए है, ठीक है डियर। सारे लोग देख सकते हैं और यहाँ पे वीडियो जितना रेजोनेट करता है आप उतना ही रखो, बाकी को जाने दो, बट आप लोग गाइडेंस को जरूर फॉलो करो, ठीक है। और ये कैंडल वैक्स रीडिंग है, मैं यहाँ देखना चाहती हूँ कि आपके पार्टनर इस रिश्ते को लेकर क्या उनके अंदर, उनके लाइफ में, उनके दिल और दिमाग में इस रिश्ते को लेकर क्या कुछ चल रहा है, क्या आपको लेकर फील कर रहे इस रिश्ते में, इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं या फिर स्टक है या फिर खुद को रोक दिया है उन्होंने। तो मैं ये देखना चाहती हूँ कि आज की रात आपके पार्टनर इस रिश्ते को लेकर क्या फील करने वाले हैं, आपको लेकर, प्यार को लेकर, पूरी लाइफ को लेकर क्या एनर्जी निकल कर आती है। तो डियर हमेशा याद रखना ये कलेक्टिव रीडिंग है, ठीक है। और मैं आप लोग को बार बार बोलती हूँ डियर कि प्लीज आप लोग ईमेल आईडी पे ही आप कांटेक्ट करो, ठीक है। मैसेज में मैं, कमेंट में मैं जवाब नहीं दे पाऊंगी। ईमेल आईडी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होते हैं, डायरेक्ट आपको जो पूछना है, सेशन चार्ज पूछना है, सेशन पर्सनल रीडिंग में लेती हूँ, आप ले सकते हो। गाइडेंस लेनी हो या फिर एनर्जी चेक करानी हो, सोलमेट जर्नी में हो, ट्विन जर्नी में हो, या फिर आप कार्मिक से डील कर रहे हो, या फिर कहीं फंसे हुए निकल नहीं पा रहे हो, या फिर सेल्फ लव करना है, सेल्फ हीलिंग करना है, मेडिटेशन की जानकारी लेनी है, हीलिंग करवानी है, क्या करना है डियर, तो आप मुझसे प्रश्न सेशन ले सकते हो। सेशन के चार्ज होते हैं। ईमेल आईडी पे कॉन्टेक्ट कीजिए और जानकारी लीजिए, सारा इन्फॉर्मेशन आपको वहां मिल जाएगा। और बुकिंग करानी है तो पहले से आप करा सकते हो। अगर आप चाहोगे कि मैं आपको एकदम से तुरंत का तुरंत आप लोग को सेशन दे दूं तो नहीं हो पाएगा डियर, पहले से आप बुक करा सकते हो, मैं टाइम आपको दे दूंगी, ठीक है। तो चलिए देखती हूँ कि आपके पार्टनर क्या फील करने वाले हैं इस रिश्ते को लेकर। सब्सक्राइब कीजिए, डिवाइन गाइड कीजिएगा, यूनिवर्स, ऑल आर्कएंजल्स, स्पिरिट गाइड, यूनिवर्स, कृष्ण गोविंद, राधे कृष्ण, जय माँ काली, जय शिव शक्ति, शेरावाली, साईं बाबा, कृष्ण गोविंद, अर्थ मदर, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गाइड कीजिएगा। जितने सारे मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं उनके पार्टनर्स की ट्रू फीलिंग्स क्या है इस रिश्ते को लेकर, क्या उनकी करेंट एनर्जी है, क्या फ्यूचर को लेकर सोच रहे हैं, प्लीज यूनिवर्स इन सस गाइड कीजिएगा। माँ काली, शेरा वाली, पहाड़ा वाली माँ, जय शिव शक्ति, गाइड कीजिएगा, अर्थ मदर, गाइड कीजिएगा। देखिए डियर, टाइमलेस रीडिंग है, ठीक है। जब भी आप देख रहे हो तो आपसे रेजोनेट करेगी, जब जिस वक्त आप देख रहे हो उस वक्त जरूर रेजोनेट करेगी, ठीक है। देखिए डियर, ये पर्सन जो है इस वक्त तो मैं ये देख रही हूँ कि काफी आपको लेकर महसूस कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ व्यूवर से बात भी हो रही है, ठीक है, मेरे कुछ व्यूवर से बात भी हो रही है, ठीक है, लेकिन शायद वो खुलकर आपसे ना जता रहे हो, ठीक है। ये रिश्ता जो मुझे दिख रहा है डियर, आप लोग का बहुत पुराना रिश्ता है, ठीक है, काफी सालों, काफी महीनों का मुझे दिख रहा है। आपके पर्सन जो ऐसा महसूस कर रहे हैं, देखिए डियर, महसूस तो कर रहे हैं इस रिश्ते को लेकर आगे फ्यूचर क्या होगा, ठीक है, क्योंकि ये पर्सन खुद कन्फ्यूज है, ठीक है, ये रिश्ते का क्या होगा ये कहीं ना कहीं प्रेजेंट में सोच रहे, हो सकता है दो माइंड, दो च्वाइस है डियर, ठीक है, कन्फ्यूज है। आपसे मिलने से पहले इनके लाइफ में भी थर्ड पार्टी थी, ठीक है, आपके आने के बाद भी इनके लाइफ में थर्ड पार्टी आई है या आया है डियर, ठीक है, जिससे आपके पर्सन अट्रैक्ट हुए थे, ठीक है, अट्रैक्ट हुए थे और कहीं ना कहीं बहुत क्लोज आए, ठीक है, यहाँ पे बहुत स्ट्रांग रिलेशनशिप बना उनके साथ भी, ठीक है, लेकिन जो आपके साथ स्ट्रांग रिलेशनशिप बना, जो कि अनकंडीशनल लव करते हैं, वो नहीं हुआ। जबकि ऐसा नहीं, ये पर्सन आपके साथ इन्होंने रिलेशनशिप में रहे हैं, फिजिकली भी हुए हैं और बहुत प्यार भी किए हैं, उस ऐसा नहीं कि उस वक्त आपके साथ चीट कर रहा था ये पर्सन, बिल्कुल नहीं, मेल और फीमेल ट्रू लव थी। बट आपके आने से पहले
और आपके आने के बाद मेरे कुछ व्यूअर्स के पार्टनर के लाइफ में थर्ड पार्टी आई है जिसे ये बहुत अट्रैक्ट हुए हैं और कुछ व्यूअर्स के पार्टनर इनके क्लोज भी बहुत गए हैं, ठीक है। लेकिन इस रिलेशनशिप के बारे में कुछ थर्ड पार्टी को पता है, ठीक है, जिससे क्या हो रहा है कि फाइटिंग चल रही है आपके पार्टनर को, ठीक है, थोड़ी दुनिया बन रही है, फाइटिंग चल रही है क्योंकि आपके बारे में पता है। लेकिन वो किसी हाल में ये थर्ड पार्टी नहीं चाहती है कि आपसे बात हो, मुलाकात हो, या फिर आपसे रिलेशन हो, या फिर कोई रिश्ता आपके साथ बने, वो बिल्कुल नहीं चाहता है, नहीं चाहती है, ठीक है। देखिए, आपके पार्टनर अब थोड़ा इमोशनल होते जा रहे हैं, ठीक है, काफी इमोशनल होते जा रहे हैं, जबकि ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं पास्ट में चीट किया है, ठीक है, धोखा दिया है, झूठ बोले हैं आपके साथ, बहुत झूठ बोले हैं, झूठ जिसे बोलता है बहुत ही झूठ, आज भी आपके पर्सन खुलकर आपसे कोई बात नहीं करते हैं, बहुत ही छुपाता है ये पर्सन, ठीक है। लेकिन ये पर्सन जो है आपसे मैरिज भी करना चाहता है क्योंकि ये बहुत लोगों को नोटिस किया है, ठीक है, ये मैरिड भी हो सकते हैं, ठीक है, हो सकता है इनकी लाइफ अच्छी ना हो, मैरिड लाइफ अच्छी ना हो, ये भी हो सकता है। तो ये पर्सन अब कहीं ना कहीं इन्होंने बहुत लोगों को नोटिस किया है, इनके लाइफ में बहुत लोग आए हैं और गए हैं, ठीक है, ये मैरिड भी मुझे दिख रहे हैं डियर, कुछ लोग अनमैरिड हैं, लेकिन यहाँ पे ये पर्सन अब आपको अपनी च्वाइस बना रहा है, लाइफ पार्टनर बनाना चाहता है, ठीक है। जबकि मुझे कुछ व्यूअर्स के पार्टनर एज गैप लेकर काफी मुझे लग रहा है आपसे बड़े हैं, ठीक है, हो सकता है कुछ के पार्टनर आपसे बड़े हैं, एज गैप है, या फिर आपकी भी हो सकती है डियर, आप बड़े भी हो सकते हो। लेकिन ये पर्सन जो है इनको फ्रीडम चाहिए, ठीक है, देखिए आज भी इनको फ्रीडम चाहिए, फ्यूचर भी मुझे दिख रहा है फ्रीडम चाहिए, मतलब इनको आप रोक टोक ना करें, ये जो करते हैं उन्हें आप करने दें। देखिए, किसी के पीछे बहुत जल्द अट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है, ये किसी को नोटिस भी करते हैं, थोड़ा फेक नहीं होता डियर, फेंकना, टाइम पास जिसे कहते हैं फ्लर्टिंग करना, ये पर्सन है, ठीक है। गुस्सा, ईगो इनके नाक पे होते हैं, जब ये टूट जाते हैं, हार जाते हैं, तो आपके बारे में सोच रहे, लेकिन आज रात इस रिश्ते के बारे में काफी डीपली सोचने वाले हैं डियर, ठीक है। हो सकता है बात भी हो रहा और ना भी हो रहा हो, दोनों के लिए डियर, आपसे बातें छुपाई जा रही है, कोई बात आपसे एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, कुछ अनमैरिड है जो चुप्पी साधे हुए हैं, ये लगे हुए हैं कि आपको सरप्राइज दे मैरिज को लेकर, कमिटमेंट को लेकर, लेकिन ये पर्सन चुप्पी साधे हुए हैं क्योंकि ये चाहते हैं आपको सरप्राइज देना, पेरेंट्स को मना रहे हैं, फैमिली को मनाने में लगे हैं आपके पर्सन, कोशिश कर रहे हैं, कोशिश में ये पीछे नहीं हट रहे हैं, उन्हें पता है कितना भी फ्लर्टिंग कर लूं, कितना भी टाइम पास कर लूं, सच्चा प्यार तो आप ही हो, ऐसी फीलिंग्स है, ठीक है। लेकिन इमोशनल भी हो रहे हैं, आपका प्यार अचानक से इनको बढ़ रहा है, जबकि यही प्यार पास्ट में बर्डन बन चुका था, ठीक है, आपको ब्लेम किया, झगड़े किए, अशब्द गालियां भी दी है, फैमिली को भी आपकी दी है, ठीक है। लेकिन ये पर्सन अब कंफ्यूज्ड हो गया है, ठीक है, ये करना क्या चाहते हैं खुलकर डिसीजन नहीं ले पा रहे, लेकिन आपसे बेपनाह प्यार करने लगे हैं, बहुत मिस कर रहे हैं इमोशनली आपको, अपने लाइफ में बहुत मिस करें, मतलब कि यहां मिसिंग एनर्जी भी है, ठीक है। और देखिए डियर, आपको इन्होंने टॉर्चर भी किया है, ये बात को अपने मन में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं कि कैसे शुरुआत की जाए, ठीक है, किसी बहाने से आप पर नजर रख रहे हैं, या फिर किसी बहाने से आपके तरफ ये बात करना चाहते हैं। ये आज देखिए बिल्कुल कुछ व्यूअर्स को बिल्कुल नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, लेकिन ये आदमी जो भी है, जो भी पर्सन है, जो भी इंसान है, ये मेल हो फीमेल हो, ये करवटे बहुत बदलते हैं रात में, इनको नींद जल्दी नहीं आती है डियर, काफी प्लानिंग, काफी सोचना, एक्शन कम और प्लानिंग ज्यादा करते हैं आपके पर्सन। लेकिन ये जब आपको छोड़कर गए डियर, थर्ड पार्टी से इन्हें बहुत ही अट्रैक्शन थी, ठीक है, लेकिन इन्हें तब एहसास हुआ कि कुछ खास हुआ थर्ड पार्टी के साथ, अब इन्हें एहसास हो रहा है कोई भी कुछ भी हो, लेकिन आप हो जो आप हो, वो कोई नहीं है, पीस और शांति और लाइट आप हो, आप उनकी एंजल हो, ये सोचते हैं। बट यहाँ पे इनकी एक कमजोरी है कि बहुत जल्दी किसी की बातों में ये आ जाता है पर्सन, मेल हो फीमेल हो, कोई भी इनको थोड़ा सा टाइम पास कर दे, फ्लर्टिंग कर दे, ये आज भी ऐसा नहीं, आज भी उनके ऊपर ये छा जाते हैं, बस इनको फ्लर्टिंग चाहिए, टाइम पास चाहिए, लेकिन जब अकेले में बैठते हैं तो आपकी यादें, आपका प्यार, आपका सपोर्ट याद आता है, ठीक है। प्रेजेंट में ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लेकिन आपके साथ जो इन्होंने किया है
वो बात को याद कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन थर्ड पार्टी को लेट गो करने की एनर्जी में है, ठीक है डियर। या इनसे रोमांस शुरू हुआ हो, या कार्मिक हो, या मैरिड हो, या फिर फैमिली हो, या फिर कुछ भी हो डियर। हो सकता है मेरे कुछ व्यूवर्स के पार्टनर जहां जॉब करते हैं वहां भी कोई फ्रेंड है जहां इनके साथ फ्लर्टिंग चल रहा है, या चल रहा था या चल भी रहा है डियर, लेकिन लेट गो करने की एनर्जी में है, लेकिन मूड स्विंग होता है इनका डियर, ठीक है। लेकिन ये आपसे मिलना चाहते हैं, ठीक है, इस रिश्ते की शुरुआत चाहते हैं। ये अभी भी इनके मूड में पूरी तरह सुधार नहीं आई है, लेकिन कहिए कि अगर आप सोलमेट हो, ट्विन जर्नी में हो, तो पर्सन आपको इसलिए मिस करते हैं, याद करते हैं, क्योंकि आप उनकी ताकत हो, ठीक है, आप उनकी पावर हो, आप उनकी लाइट हो। तो रह रह कर इनकी एनर्जी में उतार चढ़ाव होती है, ठीक है। ईगोइस्टिक है, सोसाइटी में निम्फेम भी हो सकता है डियर। कुछ व्यूअर्स के पार्टनर अच्छी पर्सनालिटी है, अच्छे जॉब है, अच्छे करियर हो सकता है, किसी के पार्टनर आप वकील हो सकते हैं, ठीक है, प्रोफेसर हो सकते हैं, डॉक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है, ऐसी मुझे एनर्जी आ रही है। या फिर मेरे व्यूवर्स या आप के पार्टनर या फिर कोचिंग क्लास चलाते हो, या स्कूल हो सकता है, या फिर टीचर हो सकते हो, ठीक है, या फिर सिंगिंग से रिलेटेड आपके पार्टनर या आप कुछ करते हो, ठीक है, या फिर आप हो सकते हो जॉब भी करते हो, ठीक है, यहाँ पे ये एनर्जी है। लेकिन मैं यहाँ देख रही हूँ कि आप अपने लाइफ में थोड़ा बिजी रहने लगे हो, ऐसा नहीं है काम पर फोकस कर रहे हो, यहाँ आपके पार्टनर भी अपने काम पर फोकस कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है स्टेबल होना ही सबसे बड़ी बात है, मनी पे बहुत ज्यादा फोकस रहता है, जिसे कहते हैं कि इनको लाइफ में सिर्फ मनी ही मनी चाहिए। सबसे पहला इनके लाइफ में कुछ भी आता है तो पैसा, मनी, करियर, फाइनेंस सबसे पहले आता है डियर, फिर फैमिली, फिर आप, ठीक है, पहले पैसा, फैमिली, फिर आप, ठीक है। सबकी बात ये पर्सन सुनते हैं, जब चाहे वहां लोग बुलाए वो चले जाते हैं, लेकिन आप बुलाओगे तो एकदम से तुरंत का तुरंत नहीं आते हैं। कुछ व्यूवर्स पार्टनर आते हैं, लेकिन ज्यादातर नहीं करते, क्योंकि सबके लिए इनके पास टाइम है, लेकिन आपके लिए पास नहीं। जब इनको हीलिंग लेनी हो, एनर्जी लेनी हो, प्यार लेना हो या अट्रैक्शन, तो ये फटाफट आपके तरफ आते हैं, ठीक है। और देख लेती हूँ डियर, फ्यूचर भी देखती हूँ। फ्यूचर भी मैं देखना चाहूंगी। तो ये पर्सन गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। अभी भी मैं पूरा परफेक्ट नहीं कि ये पर्सन नहीं बदलेंगे, ये कोशिश कर रहे हैं। आपकी इस रिश्ते की जो जर्नी है, 6 मंथ हो सकती है, 1 ईयर्स, 5 ईयर्स, 6 ईयर्स, 10 ईयर्स, कुछ के लिए मुझे लगा 20, ठीक है, कुछ के लिए है 20 डियर, सबके लिए नहीं है। 10 ईयर्स हो सकते हैं, 7 ईयर्स हो सकते हैं, 6-5 मंथ भी हो सकता है, और ईयर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये पर्सन अभी भी ये सोच रहा है बंदा कि क्या करूं, कैसे एक्शन लूं, क्योंकि देखिए ये फ्रीडम दिमाग का है, ईगोइस्टिक है, जिद्दी है, मूड स्विंग होता रहता है, अभी भी ये कन्फर्म नहीं, लेकिन ये बहुत लोगों को नोटिस किया है, बहुत लोगों से कंपेयर किया है, आपको बहुत कंपेयर किया है। इन्हें लग रहा है कि सच में पूछो तो सब यूज करते हैं, ठीक है। अब इनको कोई यूज करा, देखिए हो सकता है ना कि आपके ऊपर कभी आपके ऊपर उतना खर्च ना किए हो, आपको गिफ्ट ना दिए हो, और थर्ड पार्टी जो है बस मतलब के है भैया, मतलब ही चाहिए, या फाइनेंस हो, या फिर लाइफ स्टाइल हो, या मनी हो, फाइनेंस हो, दिखावा हो, फोकस हो, कुछ भी थर्ड पार्टी ये चाहती है। आप में कंपेयर होना शुरू हो गया डियर। लेकिन मैं जो देख रही हूं यहाँ पे कि ये पार्टनर जो है आपके, मुझे यहां लग रहा है डियर कि ये अब सोचने वाले हैं, क्योंकि ये सोचने वाले, ये पर्सन क्या करूं और कैसे करूं, क्योंकि थर्ड पार्टी इश्यू तो है डियर, ठीक है, इतना आसान नहीं निकल जाना, लेकिन मुझे लग रहा है बहुत जल्द ये पर्सन के लाइफ से कुछ, सबके बात नहीं कर रही है, कुछ मुझे एनर्जी पिक हो रही है, कुछ के पार्टनर के लाइफ से थर्ड पार्टी का बहुत जल्द एंडिंग दिख रहा है। सबका नहीं, सबकी अपनी कार्मिक साइकिल है, सबके अपने कर्माज है, ठीक है, कुछ लोग की मैं देख पा रही हूं, ठीक है। देखिए वो क्या करिए ना, उन्होंने क्या किया, थर्ड पार्टी ने क्या किया है कि आपने इनको कंट्रोल किया है इमोशनली, जो भी हो, रोना धोना, झगड़े, लड़ाई, ये नहीं करना, वो नहीं करना, लेकिन थर्ड पार्टी क्या किया, थर्ड पार्टी क्या कि इन्हें फ्रीडम दिया है,
कि भैया मुझे इतना दो और तुम अपने लाइफ में जियो, मस्त रहो, मुझे मुझे चाहिए। तो इस वजह से मैं बोलती हूँ कि आप इनको फ्रीडम दोगे तभी ये आपके तरफ सोच सकते हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी ने इन्हें फ्रीडम दिया है। लेकिन अभी इस वक्त कहा जाए तो ये पर्सन पास्ट में कुछ ऐसी बातें हुई है आप में दोनों में, वो अब बर्डन सा महसूस कर रहे हैं, इनसिक्योर सा महसूस कर रहे हैं। प्रेजेंट में ये है, इतना सोच रहे हैं तो फ्यूचर क्या होगा, ठीक है, आपके पर्सन सोच रहे हैं। लेकिन वो कहना चाहते हैं कि आप उन्हें इग्नोर मत करो, एक बार उन्हें मौका दो। ये पर्सन आपके कहना चाहते हैं एक बार आप मौका दो, इनके दिल की आरजू है कि एक बार हम लोग मुलाकात, लेकिन ये हिम्मत जुटा रहे हैं डियर, ठीक है। यहां अगर आप अनमैरिड हो तो पेरेंट्स बिल्कुल नहीं मान रहे हैं, ये बंदा फिर भी कोशिश कर रहा है, खुलकर बात कर रहा है, काम पर फोकस कर रहा है, लेकिन दिल और दिमाग में आप हो। अगर मैरिड है तो देखिए इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनका बर्डन है, फैमिली है, बच्चे हैं, भाई बहन है, ऐसी भी एनर्जी है, ठीक है। लेकिन ये अंदर से जहां भी है ना, ये पर्सन इनसिक्योर सा महसूस कर रहा है, ठीक है। अब ये सोचा मैं करूं तो क्या करूं, क्योंकि आपको पाना भी चाहता है ये पर्सन, ठीक है, ये पर्सन आपको पाना भी चाहता है। देखिए हो सकता है किसी के पार्टनर बिजनेस भी करते हो, ठीक है, किसी के पार्टनर या बिजनेस भी करते हो, जॉब भी करते हो, या फिर कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हो करियर को लेकर, ठीक है। हो सकता है आपसे डिस्कस करें, या फिर आप दोनों मिलकर आने वाले टाइम में कुछ नया शुरू करो, ठीक है। अब ये सोच रहे डियर कि आप उनके नजरों में निखर रहे हो, आप काफी खूबसूरत होते जा रहे हो, पहले से ही आप खूबसूरत थे और आप दिन पर दिन और निखरते जा रहे हो, कहीं भी आपको स्पाइक करते हैं डियर, ठीक है। इनको रात में नींद नहीं आती है, बहुत सवाल जवाब खुद से करते हैं कि मैंने क्या किया, मुझसे गलती हुई है, लेकिन ये कभी जताएंगे नहीं डियर, कभी शो नहीं करेंगे, कभी नहीं। आप मिलोगे तब भी सिर्फ प्यार आएगा, अट्रैक्शन होगा, आपको मनाएंगे, सॉरी बोलेंगे और फिर आपके क्लोज आएंगे, ठीक है। लेकिन हो सकता है जॉब बिजनेस करियर को लेकर आपके पर्सन, हो सकता है ये प्लानिंग करें आने वाले टाइम में डिस्कस करें, क्योंकि फ्यूचर कुछ ना कुछ फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं। क्योंकि मुझे जो दिख रहा है आपका फ्यूचर, आपके पार्टनर का, एकदम फास्ट तो नहीं जा रहा डियर, थोड़ा धीरे धीरे, ठीक है। ये धीरे धीरे इस रिश्ते में मैं देख रही हूँ कि आप दोनों का रिश्ता जो है ना स्ट्रांग होता जा रहा है, ठीक है। आपकी ग्रोथ हो रही है, स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है आपकी, अंदर से आप अंदर से भी ग्रो कर रहे हो, बदलाव, बहुत बदलाव, आपकी बदलाव आपके पार्टनर को भी बहुत सारे विचार में, दिमाग में, उनके लाइफ में चेंजेस ला रहा है, ठीक है, और आ रहा है। लेकिन आपकी नींव अब मजबूत हो रही है, जिस वजह से आपके पार्टनर भी अब स्ट्रांग हो रहे हैं। जब आपकी नींव मजबूत होगी तो आपके पार्टनर भी मजबूत होंगे, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, कुछ न कुछ आपका जो पावर है वो बढ़ रहा है, जिससे आपके पार्टनर इतना सोच रहे हैं। जबकि थर्ड पार्टी इशू आपके पहले भी थी और आपके बाद भी है, ठीक है, कोई भी हो सकता है डियर। यहां मुझे ज्यादा रोमांस की एनर्जी दिख रही है, या फिर कार्मिक से डील कर रहे हैं, या फिर उनसे बहुत ही अट्रैक्ट है, पेरेंट्स कम परसेंट में मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। तो अपने आप के लाइफ में वो बिजी हैं, आप भी बिजी हो, मैं देख रही हूं दोनों बिजी हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये पर्सन रोक नहीं पा रहे हैं, ठीक है। आपको हग करना चाहते हैं, ठीक है, आपको हग करना चाहते हैं, आपको प्यार करना चाहते हैं, एक नई शुरुआत चाहते हैं। लेकिन एकदम से मैं नहीं बोलूंगी डियर कि एकदम प्यार परवान चढ़ा, ये भी स्लो है, क्योंकि ये भी डर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक चीज दिखाती हूँ आपको, ये अब इनके लाइफ में आपको लेकर, आपके विचार, आपकी जितनी ग्रोथ हुई है इनके लाइफ में, इनके लाइफ में बहुत बदलाव आ रहा है, चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन एकदम से फास्ट नहीं है, थोड़ा स्लो है, धीरे, लेकिन ये रिश्ता धीरे धीरे स्ट्रांग होता जा रहा है, ठीक है। फ्यूचर में आप दोनों साथ काम करोगे, कुछ नया स्टार्ट करोगे, न्यू बिगनिंग मुझे दिख रही है आने वाले टाइम में, ठीक है। ये वीक नहीं बोलूंगी डियर, मंथ भी बोल सकती हूँ, ठीक है। कुछ मंथ लगेंगे, किसी के लिए 2 मंथ है, 3 मंथ है, ऐसे दिख रहे हैं, 4 मंथ भी हो सकते हैं, किसी के लिए 1 साल भी हो सकते हैं काम स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि किसी की हो सकती है अभी साइकिल, न्यू साइकिल स्टार्ट हुई है, ठीक है, हो सकता है अभी कार्मिक साइकिल एंड नहीं हुई है, ये भी हो सकता है, लेकिन जो मुझे दिख रहा है मैं वो आपको बोल रही हूँ, ठीक है। लेकिन ये रिश्ता स्ट्रांग होता जा रहा है, थोड़ा टाइम लेंगे, थोड़ा वेट कराएंगे,
मैरिज की बात हो रही है तो आपके पार्टनर रुक भी नहीं रहे क्योंकि आपसे ही मैरिज करना चाहते हैं, स्टेबल होना चाहते हैं। अगर इनके पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, अगर इनको अपने अगर लीगल इश्यू से गुजर या फिर बेदखल करना चाहते हैं, ऐसी कुछ धमकी मिल रही है, तो ये पर्सन जिद पर भी है लेकिन ये किसी को खुश नहीं कर पाएंगे, ये खुद टूट जाएंगे। लेकिन ये आपके साथ ही रिश्ता बनाना चाहते हैं, लेकिन आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप मेहनत कर रहे हो इस रिश्ते को लेकर, तो कुछ ना कुछ यूनिवर्स आपके लिए प्लानिंग कर रहे हैं। उसके लिए आपको सोचना नहीं है, खुद को एकदम से सरेंडर कर देना है यूनिवर्स को, और जो भी आस पास निगेटिव थॉट्स आते हैं उसको लेट गो करना है और पॉजिटिव रहना है, ठीक है। क्योंकि फ्यूचर मैं देख रही हूं कि आपके पर्सन धीरे धीरे आपकी तरफ खींचते चले जा रहे हैं, ठीक है। यहां पे मुझे एक स्पिरिचुअल कनेक्शन दिख रही है, यहां पे देखिए, यहां पे स्पिरिचुअल कनेक्शन दिख रही है, यहां पे एक मिनट, देखिए रिया आपको दिख रहा होगा, यहां पे देखिए एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, यहां पे स्पिरिचुअल कनेक्शन दिख रहा है। आप लोग डिवाइनली गाइडेड हो, ये यहां एज मुझे दिख रहा है, मैं एज बता देती हूँ, ठीक है, मैं एज ही बताऊंगी, 28, 30 प्लस, 36, 39, 40 प्लस, 46, 49, 50 प्लस, 59 भी मुझे दिख रहे हैं, 60 दिख रहे हैं, 61 और 62, ये आपके आपके पार्टनर के भी हो सकते हैं, 62 तक जा रही है एज, हो सकता है एज गैप की एनर्जी मैं देख रही हूँ डियर आप लोगों में। तो देखिए ये रिश्ते की शुरुआत तो चाहते हैं और ये रिश्ता एकदम से स्पिरिचुअल कनेक्शन है, तो हो सकता है आप लोग साथ में बाद में काम करें, जॉब करें या फिर कुछ भी आप लोग साथ में करें, क्योंकि ये रिश्ता है लेकिन आगे थोड़ा सा ग्रो करता हुआ तो दिख रहा है, लेकिन धीरे 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 स्ट्रांग होता जा रहा है आपका, आप दोनों का रिश्ता प्यार स्ट्रांग हो रहा है, ठीक है। ये आपसे बात करना चाहते हैं, कॉल मैसेज कर सकते हैं, 24 घंटे के अंदर बहुत व्यूअर्स के पार्टनर की कॉल मैसेज आ रही है, अपना प्यार एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है, ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। तो चलिए डियर, ये थी आपके रिश्ते की सच्चाई, आपके पार्टनर आपको लेकर आज रात क्या फील कर रहे, क्या सोचे इस रिश्ते को लेकर। तो चलिए वीडियो कैसी लगी, अगर रेजोनेट करती है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए, अगर रेजोनेट करती है तो यूनिवर्स इन जस्ट गॉड को ग्रेटिट्यूड दे, और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, थैंक यू सो मच।